हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली लोबिया मसाला करी की रेसिपी। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे रोंगी के नाम से जानते हैं या फिर इसे छोटे राजमा भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे ब्लैक आइड बीन्स या फिर ब्लैक आइड पीस भी बोलते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कप मैंने लोबिया ले ली है और इसको क्या करेंगे कि रात भर पानी में भिंगो कर के रख देंगे जिससे कि ये फूल जाए, या फिर आप 6 से 7 घंटे भी भिंगो कर रखेंगे तो भी ठीक ही है, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया से ये फूल जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको रात भर भिंगो कर के रख दी थी और देख सकते हैं ये अच्छे से भींग चुका है, ये फूल चुका है। तो इसी तरह से हमें इसको भिंगो लेना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको मैंने यहाँ पर ले ली है एक प्रेशर कुकर। तो इस तरह से कुकर में क्या करेंगे कि इसको हमें डाल देना है इस तरह से। इसके बाद जो है इसमें क्या करेंगे, 2 से 2.5 कप इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसमें हमें डालना है नमक। तो यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें आप हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी आने तक पका लेंगे। ढक्कन हटाकर चेक करेंगे, अगर 3 सीटी में नहीं पका हुआ है तो 1-2 सीटी और लगा सकते हैं, लेकिन अच्छे से अगर फूला रहेगा तो 3 सीटी में बहुत ही बढ़िया से ये पक जाएगा। एकदम से इसे हमें गलाना भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 3 सीटी मैंने इसमें लगाई है और अच्छे से ये देख सकते हैं पक चुका है। देखने में ये लग रहा है कि अच्छे से पक चुका है। तो इसको अब क्या करना है कि इसका जो पानी है हमें अलग कर लेना है। तो इस तरह से मैं छलनी में क्या कर रही हूँ कि इस तरह से छान ले रही हूँ और पानी को फेंक देंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर स्टोव पर मैंने पैन रख दी है और पैन जैसे ही गर्म हो जाए इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों तेल। आप इसे सरसों तेल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो अब इसमें क्या करना है कि हमें डाल देना है 1 छोटी चम्मच जीरा और 4 से 5 इसमें मैं लौंग डाल रही हूँ। 3 यहाँ पर छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची डाल देंगे और यहाँ पर मैंने कुछ दालचीनी के टुकड़े ले ली है तो इसमें डाल देंगे। 2 तेज़पत्ता इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो है इसमें हमने 2 लाल मिर्च को तोड़ करके डाल दी है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद क्या करेंगे कि इसको हमें थोड़ी देर भून लेना है ताकि बढ़िया सी एकदम से इसमें से खुशबू आने लगे। तो इस तरह से क्या करेंगे कि इसको मिलाते हुए अच्छे से इसको हमें भून लेना है। इसके बाद एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिए और इस तरह से हमें इसमें डाल देना है। और प्याज को डाल करके क्या करेंगे कि बढ़िया से प्याज को हमें भून लेना है। देख सकते हैं प्याज भून चुका है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर मैंने छोटे टमाटर, छोटे साइज़ के टमाटर मैं यहाँ पर 2 यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से काट करके डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर अदरक और लहसुन को मैंने दरदरा कूट ली है तो इस तरह से इसमें डाल देंगे। आप अगर पेस्ट है आपके पास तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसको दरदरा ही कूट ली है। तो इस तरह से डाल करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको हमें क्या करना है कि टमाटर गलने तक अच्छे से पकाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ सूखे मसाले पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल करके और इसको क्या करना है हमें कि अच्छे से मिला लेना है। तो स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी डाल देंगे। ध्यान देना है कि नमक हमने पहले भी यूज़ की है तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देकर के हमें नमक का यूज़ करना है। इसके बाद क्या करेंगे कि इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा करके इसको हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको पकने देना है या फिर टमाटर गलने तक इसको पका लेना है। और बीच बीच में क्या करेंगे कि चेक करते रहेंगे ताकि मसाला जो है जले नहीं। तो देखिए ढक्कन हटा करके चेक करेंगे कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। अब बहुत ही बढ़िया से ये जो हमारा मसाला है पक रहा है। तो इस तरह से पहले एक बार इस तरह से मिला लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर लोबिया को उबाल करके रखी हुई है इसमें डाल देंगे और दबाने पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये उबल गया है, लोबिया यानी कि जो है पक गया है। तो इसको क्या करेंगे कि मसाले में डाल करके और इसको अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि इसको हमें मसाला में भी पकाना है ताकि जो मसाला में जाए बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी बन करके तैयार हो। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तो यहाँ पर 1.5 कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि इसमें हमें डालना है 2 हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च को लंबे लंबे साइज़ में काट ली है और इस तरह से डाल करके इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे धीमी आंच पे। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखेंगे, देख सकते हैं
कितना बढ़िया से ये जो है दिख रहा है। तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे और इसके बाद बारीक कटी हुई यहाँ पर धनिया पत्ता जो है डाल देंगे। डाल करके अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। इसके बाद जो यहाँ पर ढक्कन हटा के चेक करेंगे, देखिए कितना बढ़िया से ये हमारा लोबिया मसाला करी बन करके तैयार हो चुका है। इसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखी है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखी है, देख सकते हैं मैंने इसको मीडियम में रखी हुई है। तो आप अपने अनुसार इसको गाढ़ा या फिर पतला रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोबिया जो है बन करके तैयार हो चुका है। तो इसको एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे, देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम से ये दिख रहा है। जितना बढ़िया ये दिख रहा है उतना ही ये टेस्टी बन करके तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर मैंने रख दी है बटर। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सुपर टेस्टी ये हमारा लोबिया मसाला करी बन करके तैयार हो चुका है। इसीलिए आज की रेसिपी कमेंट जरूर करिएगा और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।